नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सकार एग्री इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं करण सिंह राजपुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों विदित है कि 2 जून को आपके जेट की एग्जाम डेट रिलीज हुई है, ठीक है, और इसको देखते हुए आज ठीक 2 तारीख हुई है और आने वाली 2 तारीख तक आपके फिक्स 2 महीने बचते हैं। अब सबसे पहले बात यह बनती है कि 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर क्या जेट का एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है? यदि पॉसिबल है तो कैसे है, तो आप जुड़िए साकार के साथ ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से और हम अपना जो आपका जो सपना है उसको हम साकार करेंगे। चलिएगा अपन बात करते हैं कि 2 महीने के अंदर अपन को जेट का एग्जाम कैसे क्रैक करना है। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है जेट के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहली जो सब्जेक्ट आती है केमिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट आएगा बायोलॉजी और तीसरा जो सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर। 3 सब्जेक्ट आते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, 40-40 और 40 क्वेश्चन रहते हैं और एक जो क्वेश्चन रहता है वो अपने 4 नंबर का रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, और 120 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कितने नंबर रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। अब देखो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के सबसे बड़ी समस्या करती है केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री समस्या करती थी पहले, अब समस्या नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कारण क्या है? सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि जेट के अंदर जो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं, जेट के अंदर केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं, इन 40 में से देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 40 में से 10 क्वेश्चन है जो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप आंख बंद करके प्रत्येक पढ़ने वाला स्टूडेंट आसानी से सही कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये 10 क्वेश्चन आएंगे आपके मृदा विज्ञान के। किसके आएंगे? मृदा विज्ञान के। एक तो ये मृदा विज्ञान पढ़ने में थोड़ी आसान रहती है और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस मृदा विज्ञान को आप ऑलरेडी 12th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये आ गए, पीछे कितने क्वेश्चन बचेंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से फिक्स है हर बार वहां से क्वेश्चन आना तो आना, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गई, बहुलक हो गया, ठीक है, साम्य हो गया, चाहे वो रासायनिक हो, ठीक है, साम्य हो गए, ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जिससे आप के कम से कम 8-10 क्वेश्चन फिक्स आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। संकरण हो गया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, वहां से फिक्स है क्वेश्चन आने काने। तो माना कि पीछे 30 क्वेश्चन बचे, 30 में से एवरेज स्टूडेंट, मैं कम से कम बता रहा हूं, 30 में से यदि एवरेज जो कमजोर से कमजोर केमिस्ट्री का लड़का है आराम से 10 क्वेश्चन आराम से कर सकता है यदि 2 महीने आप ढंग से तैयारी करते हो। तो केमिस्ट्री के टोटल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, चलिएगा भाई 20 क्वेश्चन हो गए, ये बात होगी केमिस्ट्री की, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की अब देखो बायोलॉजी के अंदर वापस एक तो आपकी बॉटनी आती है, जूलॉजी आती है, फिजियोलॉजी आएगी। इसके अंतर्गत एक बायोलॉजी के अंदर 2 चीजें और आती है जिसको अपन एक तो बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है, और दूसरी को अपन बोलते हैं पैथोलॉजी, कीट विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। ये बहुत बढ़िया आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिट करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि आपने ऑलरेडी 12th के अंदर इन्हें पढ़ रखा है, ठीक है। इन दोनों के लगभग ये समझ लो 6-8 क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, बायोलॉजी इतनी टफ नहीं है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आप आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके यानी कि 6-8 क्वेश्चन तो ये इजी से हो जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक लड़का आराम से 15 क्वेश्चन एवरेज बायोलॉजी के सही कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैश कोर्स में कम से कम बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आपके लगभग ये समझ लो 22-25 क्वेश्चन आप बायोलॉजी के सही कर सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से।
यदि आप हमारी साकार टीम के साथ जुड़ते हो, चाहे वो ऑनलाइन जुड़ते हो चाहे वो ऑफलाइन जुड़ते हो, यहाँ पे अनुभवी फैकल्टी के द्वारा शॉर्ट ट्रिक के अंदर, स्वीट एंड शॉर्ट, कम समय के अंदर किस प्रकार से सिलेबस करवाया जाएगा और वहां से अधिक क्वेश्चन कैसे बैठेंगे, ये हमारी फैकल्टी अच्छे से जानती है। तो आप जुड़िएगा और श्योर हम आपको सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। जो तैयारी करेगा वो क्रेश कोर्स के अंदर श्योर सिलेक्शन पाएगा, ठीक है। तो 22 से 25 क्वेश्चन आपने बायोलॉजी के क्रैक कर लिए, उसके बाद में क्या बचती है, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है ही, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर जो 40 क्वेश्चन है, आराम से लड़का जो ढंग से पढ़ता है वो आराम से, ऐसे समझो 25 से लेकर 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आप आराम से, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, हालांकि जिसने अच्छी तैयारी कर रही है वो सारे के सारे 30 प्लस आराम से अटेंड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। मैं 2 महीने के अंदर वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है जिनके 65 से 70% है वो कैसे कर सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। 25 से 30 क्वेश्चन है। अब देखिएगा टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, मैंने आपको ये बताया कि केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन हो गए, चलिएगा भाई केमिस्ट्री के कितने 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और एजी के 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये टोटल आपके 20, 30, 50, 25 और 75 क्वेश्चन, ये लो भाई साहब आपके टोटल क्वेश्चन, बिल्कुल ये मिनिमम मैंने बताया। कम से कम एवरेज लड़का जिसने 12वीं के अंदर 65 से 70% बनाया, और हम गारंटी देते हैं कि आप जिस अकॉर्डिंग साकार को फॉलो करोगे, जैसे हम बोलेंगे वैसे फॉलो करोगे, जिस प्रकार से हम क्लास लेंगे उस क्लास नोट्स को आप पढ़ोगे, तो हम गारंटी देते हैं कि आप 75 क्वेश्चन आराम से क्रैक करोगे। और यदि आपके 75 क्वेश्चन जेट के अंदर सही है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से कोई रोक नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी 75 क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेश कोर्स, लॉन्ग ईयर के लड़के हैं इनके लिए तो बहुत ईजी रहेगा क्रेश कोर्स के लिए। अब दूसरी बात ये रहती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि 75 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से उठाने हैं और किस प्रकार से करने हैं। अब दिक्कत ये होती है कि सर क्रेश कोर्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 2 महीने के अंदर हमारे पास टाइम है तो उसको मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक कर सके। देखिए अब मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिएगा अपन बात करते हैं समय प्रबंधन की, कि क्रेश कोर्स के अंदर समय प्रबंधन कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, लगभग अपने यहां पे जो टाइमिंग चलता है दो बैच चलते हैं, एक तो सुबह का चलता है और एक इवनिंग का चलता है। मॉर्निंग का जो बैच है सुबह वाला, सुबह का बैच जो है और वो अपना 7 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है, 7 बजे से लेकर लगभग 1:30 बजे तक, ठीक है, 1:30 बजे मान लो 1:30 बजे तक क्लास चलती है, ठीक है ना, 1:30 बजे तक क्लास चलती है। अब ये तो बात होगी क्लास की, आप 1:30 बजे क्लास से फ्री हो गए, 1 और 1:30 के बीच में क्लास फ्री हो जाओगे, फ्री होने के बाद में आपको, आप सभी अपने स्थान पर 2 बजे तक पहुंच गए, ठीक है, 2 बजे पहुंचते अपन को खाना पीना करके और रेस्ट करनी है, ठीक है, 2 बजे सो गए, खाना पीना करके आप सो गए, सोने के बाद में आपको 4 बजे वापस उठना है, ठीक है। अब 4 से लेकर 8 बजे तक आपको बिल्कुल एकाग्रत होके, निश्चित होके और इस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि आप जो 4 घंटे पढ़ोगे वो बिल्कुल आपके जहन के अंदर ऐसा कैसा कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ने 4 घंटे पढ़े, कॉपी लेके बैठ गए और 4 घंटे बाद पूछा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है तो अपन को पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मन से, ठीक है। 4 से लेकर 8 बजे तक तो ये कितने घंटे हो गए, 4 घंटे ही हो गए, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 8 बजे ब्रेक देना है, 8 से लेकर 9 बजे तक ये समय आपका रह जाएगा डिनर का, ठीक है, 1 घंटा में आप खाना पीना कर लिया, थोड़ा घूम लिया, माइंड रिफ्रेश हो गया, ठीक है। अब आपको 9 से लेकर 11 बजे तक वापिस पढ़ना है,
ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे, 4 और 2 6 घंटे हो गए। 11 बजे आपको सो जाना है, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करना है, 11 बजे सो जाना है। अब वापस आपको सुबह कोई भी हाल में 5 बजे उठना है, जितना ज्यादा उठोगे इतना अपना माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, 5 बजे उठ के, ठीक है, 5 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 6 बजे तक, ठीक है, 1 घंटा ये हो जाएगा 6 बजे तक। अब आपने इन 6 घंटों में चार से आठ बजे तक 4 घंटे ये पढ़ाई कर ली, 9 से 11 बजे तक 2 घंटे ये पढ़ाई कर ली। अब जो ये टोटल 6 घंटे है, 6 घंटे में जो भी पढ़ा है वो आपको इस सुबह वाले 1 घंटे के अंदर फटाक से रिविजन करना है, और सुबह वाला 1 घंटा ऐसा घंटा होगा कि ये 6 घंटे वाले आप आराम से 1 घंटे से पढ़ पाओगे, ठीक है। अब क्या होगा, आपको जितना पढ़ाया है 1 घंटे में आपने रिविजन कर लिया, 7 बजे आप कोचिंग आ गए, 7 बजे हमारी फैकल्टी है जो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगी कि आपने ये जो पढ़ा है ये सारा का सारा आपको वापिस रिवाइज करके पूछेगी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, आप डेली के डेली 7 घंटे पढ़ रहे हो, देखो सोने का भी टाइम दे दिया मैंने, खाना का भी दे दिया, रेस्ट का भी दे दिया, 7 घंटे पढ़ रहे हो डेली, क्लास के अलावा यदि आप सेल्फ स्टडी 7 घंटे कर रहे हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप आराम से जेट क्रैक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बात 2 महीने की है, अब 5-6 घंटे नींद ले रहे हो, 2 दिनों में आप 2 महीनों के अंदर आप ना तो थकोगे, ना मरोगे, ना हारोगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ 2 महीने आप ये टाइम टेबल अपना लो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अब बात यहां पे उठती है कि कुछ लड़के सोचते ये है कि 2 महीने में क्या होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, इस चीज को माइंड में लेके बैठे और घर से बाहर नहीं निकले, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हो, ये आपकी गलत फहमी है, आपको निकलना चाहिए, 2 महीने के अंदर तैयारी करनी चाहिए। अब 2 महीने का जो टोटल खर्चा बैठता है वो केवल और केवल कितना बैठता है, 20,000 रुपए, ठीक है। साथ में आप 12th के साथ सेलेक्ट हो जाओगे और आपकी टाइम पे बीएससी हो जाएगी, ठीक है। तो आराम से टाइम पे बीएससी होगी, आराम से जो भी ग्रेजुएशन के बाद भर्ती आती है तो आप उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। अब माना कि आप ये सोच के बैठ गए कि क्रेश कोर्स में सिलेक्शन कहां होते हैं, ठीक है, और आपने कहा मैं तो लॉन्ग ईयर में चला जाऊंगा, लॉन्ग ईयर में ये 20,000 बढ़कर कितने में चेंज हो जाते हैं, 1,00,000 रुपए में चेंज हो जाते हैं। 1,00,000 रुपए तो ये हो गए प्लस 1 साल खराब हो गया, 1 साल खराब हो गया। तो देख लो टाइम की क्या अहमियत होती है, ठीक है। मैं आपको इस टाइम का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अब माना कि आपका कोई सहपाठी था जिसने 2024 के अंदर क्रेश कोर्स के अंदर सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है, और उसने 2024 के अंदर सिलेक्शन ले लिया है, माना कि 2028 के अंदर वो ग्रेजुएट हो गया है, ठीक है, 4 साल के अंदर ग्रेजुएशन हो गया है, और आपने क्रेश कोर्स के अंदर लापरवाही कर ली और आपने क्या कर लिया, 2025 के अंदर जेट फाइट किया, ठीक है। तो आपकी 4 साल की डिग्री 2029 के अंदर, ठीक है, और माना कि 2028 के अंदर एक वैकेंसी आ जाती है WO, एक वैकेंसी आ गई WO, ठीक है, एक वैकेंसी आ गई WO, सहायक कृषि अधिकारी की वैकेंसी आ गई। अब भाई साहब आपने जो 1 साल खराब किया था आपका तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया। ये साथी 2028 WO को सेलेक्ट हो जाएगा और आपके मन में पछतावा रहेगा कि काश मैं वो क्रेश कोर्स कर लेता, काश यदि ये मैं बात मान लेता। तो इस चीज को अपने जैन के अंदर बिठा दीजिएगा और अभी कोई लेट नहीं हुआ, जब जागो तब सवेरा। कल हमारा जेट का लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 3 तारीख और 4 तारीख को, ठीक है, 2 दिन ये जेट का लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, इसी को आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो लेट आप बिल्कुल भी मत करिएगा, जो चीज सोच के बैठे हैं कि हम 2 महीने के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो उनको मैंने ये बता दिए कैसे कर सकते हो, और हम इस चीज का दावा कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से 2 महीने साकार टीम के साथ जुड़ते हो तो आपके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद साथियों।